हेलो नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि देखा होगा आपने, थीम बेस्ड वोकैब जो है सबसे इजीस्ट वे है वोकैब को लर्न करने का, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको एक थीम के ऊपर मल्टीपल उसके सिनोनिम्स मिल जाते हैं और ये की पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैंने लेक्चर 4 कराया था हिंदू के वोकैब में, उसी प्रकार से आज वोकैब लिया है। इसमें 3 थीम पर हम वोकैब करेंगे और देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। और आप भी यदि कई बार फ्री हो ना, फ्री टाइम के अंदर, तो आपने जो भी वर्ड याद किया ऐसे थीम बनो, मान लो वॉच का, देखने का, तो वॉच कल को सी ऑब्जर्व सर्वेलायंस, तो इससे आपको बारे में याद होंगे, ठीक है। तो देखो अब चलो शुरू करते हैं क्लास बिना किसी देर के हुए। जैसे मैंने पहला थीम लिया है, यहाँ पे पहला थीम देखो क्या है, टू वर्क हार्ड, ठीक है, जो मतलब मेहनती हो, ठीक है। अब देखो मैं जो यहाँ वर्ड भरना है, तो देखो मैंने, अब देखो मैं करता हूँ वर्ड। पहला वर्ड लिया मैंने से शेड्यूलर्स, ठीक है, असीडुअस, ठीक, पेन स्टिकिंग, ठीक। और देखो यहाँ लिखा हूँ आपको वर्ड अर्डुअस, ARDUOUS, ठीक है, अर्डुअस हो गया। और देखो यहीं लिखो एक वर्ड और मिटिकुलस, मिटिकुलस। उसके बाद क्या लेते हैं, देखो देखो आप असीडुअस हो गया, डिलीजेंस, डिलीजेंट, और आप लिखो इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस। ये, ये, ये देखो मैंने आपको सामने 7 वर्ड लिख दिए, इससे ज़्यादा वर्ड जो है एमएससी ना तो एमएससी ने अभी तक तो शायद नहीं पूछा है, इन्हीं वर्ड को जो पूछती है आपको। ये सारे जो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हैं, ठीक है, इनमें किसी ने भी आप लगा लो एल वाई, वो आपका बन जाएगा आपका एडवर्ब, ठीक है। ये देखो क्या था, अब बताऊँ इसमें बेसिक अंतर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मेटिकुलस मतलब क्या होता है, जो आदमी देखो कई बार आप जाते हो ना अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए कहीं भी, तो देखो बड़ी बड़ी बारीकी से चेक करता है हर पॉइंट को, तो उसे बोलते हैं मेटिकुलस, ठीक है। डिलीजेंट और जो असीडुअस जो है, डिलीजेंट में क्या होता है, कोई आदमी जो करता है ना मेहनत बहुत लगन से करता है, तो उसको बोलते हैं डिलीजेंट। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, मेहनती बहुत होता है, जैसे हमारे लेबर जो होते हैं, भाई होते हैं, वो काफ़ी मेहनती होते हैं, क्योंकि कितनी भी गर्मी हो वो मेहनत करते रहते हैं। और पेन स्टिकिंग क्या होता है, कोई आपको मान लो आपको SSC करे करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पास जो भी हर्डल आएंगी उसको सहते हुए आप जो आप परिश्रम कर रहे हैं ना, डेट पेन स्टिकिंग और जो मसीडुअस। और सेलुलस क्या होता है, सेलुलस में क्या होता है, आप जो है ना अपनी बॉडी का फिजिकली वर्क कम करते हो, ज़्यादा मेंटली वर्क करते हो, तो उसको बोलते हैं सेलुलस, ठीक है। तो ये थे आपके पहले थीम के ऊपर, इसको आप नोट कीजिए, एक मिनट आप फिर, ठीक है, नोट कीजिए, मैं जो साइड हटता हूँ और इसको आप सेम सोट लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। अब मैं इसको रफ करता हूँ, अब चलते हैं अगली थीम 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 की तरफ। देखो अगली थीम क्या है हमारी, अगली थीम मैंने लिया है आपको टू स्टॉप, मतलब रुकावट, ठीक है। अब इसको देखो हमें फील करना है, तो मैं यहाँ पे वो नहीं लिखाऊंगा, वो स्टॉप प्रिवेंट नहीं, वो तो आप जानते ही हो, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड SSC पूछती है, और जो मोस्टली न्यूज़पेपर में भी यूज होती है, उनकी हेडिंग और सब हेडिंग में, वहीं से मैंने वर्ड लिए, ठीक है। तो देखो आप फिल करते हैं, ठीक है। देखो पहला वर्ड लिखेंगे डेडलॉक, ठीक, प्रिक्लड, ठीक। थर्ड वर्ड लिखो इम्पीड से बनता है आपका इम्पीडमेंट। फिर देखो क्लॉग, ठीक है, फॉरवर्ड हो गया आपका, ऑब्स्टेकल, ठीक है, हडल, और वो क्या आएगा एक बताऊँ, ऑब्स्टेकल, यस, ये इतना बहुत इतना मुझे वर्ड अभी याद आ रहा है, कोई वर्ड मुझे याद आएगा या तो मैं लिखवा दूँगा आपको। तो ये देखो वर्ड है, अब आपको देखना हर एक का मतलब क्या होता है, ये तो मैं लिखवा दिया। देखिए थावट जो है पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ठीक है, याद रखना। अब वर्ब, अब मैं जो भी इनके मतलब बताऊंगा एज ए वर्ब फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो देखा ना अपना हार्डन, एक होता है तो लिखना मीनिंग जो मैं लिखा रहा हूँ HDD, सिर्फ यहाँ से हटाओ और यहाँ पर डी लगाओ। इसमें क्या होता है, जो भीड़ होती है ना मूव, जो बिल्कुल निकलती है ना झुंड में निकलती है, देखा होगा आपने देखा होगा कई बार भीड़ जो है जो मूव होती है, मूव लोग जो भीड़ होती है वो काफ़ी झुंड में निकलती है, तो जो निकलते हैं झुंड में तोड़ने के लिए उसको बोलते हैं
हडल, ठीक है, ये रहा हडल, मतलब होता है रुकावट। इनको क्या मैं बताता हूँ, इन तीनों का लगभग सेम होता है कि आपको जो जो आपका काम है उसके बीच में कोई डाई जाएगी, ऑब्स्टेकल प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल फॉर्म, मतलब मान लो कहीं पे पुलिस जा रही है पेट्रोलिंग पार्टी, वहाँ मान लो पेड़ पेड़ गिरा दिया, सड़क काट दिया गया, तो वो क्या है, वो फिजिकली है कि आपके रास्ते को रोका जा रहा है, तो वो सारी आएंगी हडल ऑब्स्टेकल में और थावट में। और यहाँ से देखो डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है, गतिरोध, गतिरोध कई बार देखते हो ना सरकार और जो विपक्ष के बीच में कई बार बात बन नहीं पाती, तो वहाँ क्या है, वो फिजिकली नहीं हो रहा, वो एक बाई वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है गतिरोध है, तो उसको बोलते हैं डेडलॉक। प्रिकलड, प्रिकलड क्या होता है, ये आपका मेंटली होता है कि आपको मेंटली कोई चीज करने से रोका जाएगा, ठीक है। और ये इम्पीडमेंट, ये भी लेवल सेम मीनिंग कवर करता है, ठीक है। ये ना क्लो, क्लो क्या होता है बताऊँ, जिसे देखा होगा आपने, कई लोगों को आता है हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरी या वेन के अंदर, वेन के अंदर फैट जमा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो वेन्स का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा कम हो, ब्लड जो काफ़ी ब्लड को तो बॉडी को तो उसी पार्ट उसी चाहिए ना ब्लड फॉर्म में, लेकिन ब्लड उतना पहुँचा नहीं, तो उससे क्या क्लोक में क्या है, कोई होता है चिपचिपा चीज़ जाता है इंस्टी को, तो उससे क्या होता है, जो वे जो होता है रास्ता जो जाने का वो जाता है रूम, तो उससे बोलते हैं क्लोग, क्लोग। तो ये तो देखो ये वर्ड थे आपको टू स्टॉप के ऊपर, मतलब रुकावट के ऊपर। अब चलते हैं अगले थीम की तरफ, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए लास्ट वर्ड लेता हूँ, इससे मेरे को जितनी मैक्सिमम वो के याद है वो मैं सब लिखाऊंगा, ठीक है। और उससे बाहर शायद अभी तक पूछा गया किसी भी एग्जाम के अंदर, टू डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना, कर देना बर्फ वाले। अब देखो मैं यहाँ वर्ड लिखता हूँ सीरियल बाय सीरियल, पहला वर्ड लिखता हूँ आपका डेसीमेट, ठीक, वेंडलाइज, ठीक है। तीसरा वर्ड आपका डेमोलिश, फिर आपका रून, उसके बाद है आपका डेवेस्टेट, ठीक, इसके बाद होता है आपका इरेडिकेट, ठीक है, फिर आपका होता है एक्सटर्पिएट, एक्सटर्पिएट, उसके बाद देखो आप रेवेज, ठीक, न्यूक, पल्वराइज, पल्वराइज PULVER, पल्वराइज, और आपका लिखो एनाहिलेट, और ये वर्ड हाँ इतना ही है आपको, ठीक है, यही लिख लो आप। और एक हाँ ये वर्ड और लिख लो आप, यहाँ पर आपको स्कॉर्ज, ठीक, ये इतने वर्ड है, इससे बाहर जो है शायद कोई कभी पूछेगा आपसे, मतलब एग्जाम के अंदर ये वर्ड मोस्टली पूछे गए हैं। ये जो वर्ड मैंने इस साइड जो लेफ्ट हैंड में लिखा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूछे गए हैं MSSC के अंदर वर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपका हर एक मतलब क्या होता है, देखो पॉइंट एक और पॉइंट टू, ठीक, याद है ना, पॉइंट ए ए पॉइंट होगा बिल्कुल सेम मतलब होता है, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना, वहाँ बिल्कुल कोई भी निशान नहीं रहेगा अब आपको कि वहाँ कोई चीज़ थी भी या नहीं थी बिल्डिंग। लेकिन अंत का था जो होता है ना, ये इरेडिकेट, ये हम यूज करते हैं डिजीज के लिए, डिजीज हो गया या कोई एबोजिज हो गया, ठीक है, उसके लिए कि मान लो हमने पोलियो को ख़त्म किया वहाँ से, तो क्या वहाँ लिखोगे आप इरेडिकेट ना कि डेसिमेट, ठीक है, लेकिन दोनों मतलब कुछ सेम होता है, ठीक है, यूज होता है अलग अलग, ये बस समझ गया दोनों बार। अब आते हैं वेंडलाइज में और डेमोलिश में क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। वेंडलाइज में क्या करते हैं हम, ये मोस्टली टर्म यूज किया जाता है, कोई मतलब पवित्र जगह होती है ना, मान लो कि गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गया या मंदिर हो गया, उसको उसकी जो पवित्रता को कब हम तोड़ते हैं, मान लो मंदिर का आपने मान लो मुखर तोड़ दिया, तो उसके लिए होता है वेंडलाइज करना, ठीक है, कि उसकी आपने जो उसकी खूबसूरती थी उसको आपने बिगाड़ दिया, तो उसके लिए होता है वेंडलाइज। डेमोलिश में क्या होता है बताओ, डेमोलिश में क्या होता है, जो हम चीज़ ख़त्म करते हैं ना, मान लो आपको
आपने देखा होगा जो बारी मस्जिद तो विध्वंस हुआ था, उसमें क्या किया लोगों ने, छड़ी कुल्छी लेके उसको बिल्डिंग उसको तोड़ा था। तो उसको क्या है, जब आप कोई चीज़ को कोई सामान से ऐसे तोड़ते हो ना, तो उसको बोलते हैं डेमोलिश करना। ठीक है, ये देखो रूल मतलब होता है, रूल जो है नाउन भी है और वर्ब फॉर्म में होता है। ठीक है, वर्ब फॉर्म में होता है टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय धीरे धीरे करके, कुछ मतलब धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, अरे इसके लिए तो एक वर्ड ले जाता हूँ, डिविजन मतलब होता है हैवॉक, वैसी बर्बादी जो बिल्कुल अनप्रेसिडेंट हो, जैसे कि सुनामी आती है, सुनामी क्या है, अपने आप बहुत तगड़ी बहुत तेज की बर्बादी लेके आती है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो डेवेस्टेट या फिर हैवॉक। हैवॉक भी अच्छा वर्ड है, इसके लिए लिख लो आप हैवॉक। ठीक है, अब देखो एक्सटर्पिएट, एक्सटर्पिएट सिंपल टर्म में यूज होता है कि मान लो आप मान लो मेरी लाइफ खत्म कर दी कुछ भी करके, तो वो होता है एक्सटर्पिएट। रेवेज, रेवेज रेवेज भी सही है, लेकिन ये जो होता है ना काफ़ी मान लो कि एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, ये इसको बहुत नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, रेविज में। ठीक है, ये न्यूक और पल्वराइज, ये दोनों बिल्कुल सेम मतलब होता है। न्यूक और पल्वराइज मतलब तब धीरे धीरे कि जो खत्म करना, जैसे जो कीड़े होते हैं, जो कीड़े लगते हैं किताबों में या पेड़ के मतलब पेड़ के अंदर, क्या होता है वो धीरे धीरे प्लांट की जो है जो भी गुणवत्ता है उसको खत्म करते हैं। तो उसके लिए आप यूज करोगे न्यूक या पल्वराइज। तो देखिए ये थे आपके आज की थीम बेस्ट वॉक है, बताना आपको कैसा लगा। दूसरी बात यार देखो क्या है, आपको यदि वीडियो पसंद आए ना प्लीज़ यार इसको ना लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि वही आपका मोटिवेशन है कि हाँ देखो आपको एक वर्ड पे देखो मैंने कितने वर्ड करा दिए। इसको आपको याद करने के लिए आपको मल्टीपल थोड़ी जाना पड़ता है। यहाँ मैंने आपको बताया एज ए डिफरेंस कि क्या इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। ये थी क्लास, प्लीज़ इसको लाइक करो यार और जो है चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे को बताओ कि देखो वो क्या यहाँ पर हो रही है। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।